नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि कांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। प्रारंभिक बात इतिहास को लेकर हुई थी। इतिहास के शुरुआती अर्थों से हम लोग परिचित हुए कि इतिहास का मूल अर्थ क्या होता है। फिर इतिहास का जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी, साथ ही उत्तर भारत के अन्य लोक सेवा आयोग में, उसकी चर्चा हम किए थे। उन पाठ्यक्रमों को देखे थे कि उनमें कौन कौन से विषय या लेसन को शामिल किया गया है। उसके बाद हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पे आए थे कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं या क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल को देखा, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया। मैंने आपको बताया अपने अध्ययन के शुरुआती दौर में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्यकालीन सभ्यता का परिचायक है, नगरीय सभ्यता है। और साथ ही हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन, अपने सड़कें, अपने नालियों के लिए विश्व में विख्यात है या ख्याति प्राप्त करता हुआ देखा जा सकता है उसे। अब जिस लेसन का हम अध्ययन सिंधु सभ्यता की बात करने जा रहे हैं उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति, हमने जब इतिहास जानने के स्रोत की जब चर्चा की थी तो उसमें मैंने वेदों की बात की थी। आपने देखा होगा मैंने कहा था कि चार वेद होते हैं, चार उपवेद होते हैं, उनके सहायक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उसके बाद अरण्यक की बात किया, उपनिषद की बात किया, देन पुराणों की बात किया, यानी कि यह वैदिक संस्कृति से ही इसकी परंपरा का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो वेदों पर ही आश्रित दिखाई देती है, या उनकी सारी जानकारी वेदों से ही प्राप्त की जा सकती है। वेद, जब वैदिक संस्कृति को जब हम समझना शुरू करते हैं तो पहले यहां हम आ जाते हैं थोड़ा नोटबुक पर, जरा आपको समझाते हैं कि वैदिक संस्कृति को जब समझा जाता है या वैदिक काल को जब हम समझते हैं तो वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बांट देते हैं। पहले काल को हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरे भाग को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये बड़ा काल है और बड़े काल में हमें काल के आधार पर डिवीजन करके उनका अध्ययन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो कहते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल का समय है वो कहते हैं 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यानी कि इन दो कालों में हम इसे विभाजित कर देते हैं। उसके बाद पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन के आलोक में इसका अध्ययन हम आरंभ करते हैं। ठीक उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल का भी इन्हीं आलोकों में अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्व वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल की यात्रा करेंगे तो हम पाएंगे कि समाज में कुछ परिवर्तन आया। पूर्व वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हम यही पाएंगे कि आर्थिक व्यवस्थाओं में भी कई बदलाव के बिंदु महसूस किए गए, और राजनीतिक जीवन में जो पुरानी संस्थाएं थी, जो पुरानी राजनीतिक संस्था थी विदत, उसकी महत्ता थोड़ी कम हुई। उसकी जगह पे सभा और समिति का जो स्थान था वो ज्यादा दिखाई देने लगा। फिर जब हम धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यज्ञ कर्म कांड और उसकी जटिलताएं पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगे। समाज में जब स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, जब आधी आबादी की बात करते हैं, तो हम पाएंगे कि पूर्व वैदिक काल में महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र हैं, मंत्र दृष्टा हैं, जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विस्वरा, तमाम तरीके की महिलाएं दिखाई देंगी। जो मंत्र दृष्टा है, मंत्रों की रचना करती हैं, उनका दर्जा ऋषि के बराबर है। वहीं
जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो हमें किन्हीं किन्हीं स्रोतों में दिखाई देगा कि स्त्री उपनयन या यज्ञीय कर्मकांड या यज्ञ द्वारा जो कार्य संपन्न होता है उसकी हकदार नहीं है, उससे वंचित होने लगेगी। अब धीरे धीरे उसे जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, जबकि पूर्व वैदिक काल में उसकी स्थिति बड़ी स्वतंत्र दिखाई देगी। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होगी, थोड़ी रूढ़िवादिता बढ़ जाएगी, जटिलता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अध्ययन आरंभ करने से पहले इसको ध्यान रखना है कि यह जो संपूर्ण वैदिक काल है यह एक लंबा पीरियड है और इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक काल को पूर्व वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक। और क्यों, उसके पीछे के जो बिंदु है उसको भी हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह सभ्यता जो वैदिक संस्कृति थी अपने पूर्ववर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है उससे बिल्कुल भिन्न थी, उससे इतर थी। क्यों इतर थी, क्योंकि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। जबकि हम वैदिक जब काल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। हम आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरावशेष हैं, जो मिले हुए हैं, उनके आधार पर ही हम उनका अध्ययन करते हैं, जबकि वैदिक काल में पुरावशेष का अभाव है, यानी कि पुरातात्विक जो सामग्री है उसका यहाँ अभाव दिखाई देगा। यहाँ पर जो इतिहास रचने का जो स्रोत है वो साहित्यिक साक्षी है, खासकर ऋग वैदिक काल का एकमात्र ग्रंथ ऋग्वेद ही मिलता है, यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जिसको कहते हैं। इसलिए भी कहा जाता है पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल, क्योंकि एकमात्र ग्रंथ है स्रोत के रूप में जो उस काल के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जीवन का ठीक ठीक विवेचना करता है, उसके अलावा कोई पुस्तक है ही नहीं। जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम पाते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तमाम तरीके के वेद जुड़ जाते हैं, साथ ही कई ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक जुड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ही आधार है यह समझने का कि यह काल कैसा था या किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसकी तिथि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य रखी गई है। दूसरी चीज, मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता के लोग कैसे दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि इनका जीवन नगरीय न होकर ग्रामीण जनजीवन है, और ग्रामीण जनजीवन में हम देखते हैं कि यह पूर्ण रूप से कृषि कार्य भी नहीं करता है, बल्कि आरंभिक रूप में यह यायावर जीवन को यापन करता है या पशु चारण पे अपनी जीविका का निर्वहन कराता हुआ देखा जाएगा। बाद में, यानी कि आरंभ के कुछ बाद में, ये कृषि की शुरुआत करता हुआ या कृषि कर्म करता हुआ देखा जाएगा, ठीक। लेकिन कृषि कार्य भी थोड़ा लेट ही करेगा, और करता कैसे है, कृषि भी इस तरीके की नहीं जो अस्थाई, कभी यहाँ किया, कभी उस जगह को छोड़ दिया, कहीं दूसरे जगह, कहीं तीसरे जगह, इस तरीके से, यानी कि कभी ए जगह, कभी बी जगह, कभी सी जगह, कभी डी जगह, यानी कि झूम कृषि टाइप का। जैसे आपने पढ़े होंगे कि आपने अभी भी पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि की जाती है, ठीक है, जगह को साफ किया, एक फसल उपजाया, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले गए, उससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है। तो वो हमारा विषय नहीं है, विषय है कि ये यायावरी या घुमक्कड़ या पशु चारण का जीवन यापन करता था, यह ग्रामीण संस्कृति का पोषक रहा है, ना कि नगरीय संस्कृति का, इस चीज को ध्यान देंगे। अब यहां से हम ऋग वैदिक काल को आरंभ करते हैं, यानी कि हम आ जाते हैं अपने विषय पर, ठीक। देखिए वैदिक संस्कृति में यहां स्पष्ट लिखा हुआ है आपको कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन संस्कृति का जो या जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, और इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यानी कि वैदिक काल कहने का क्या तात्पर्य, यानी कि इस काल की संपूर्ण जानकारी किस पर निर्भर, वेदों पर निर्भर। अब यह सभ्यता अपने पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। इस सभ्यता के संस्थापक कौन है, आर्य। और देखिए आर्य, आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया ये पूछ चुका है,
यानी कि आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप पाएंगे ये सवाल पूछ चुका है। या आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, संभ्रांत, कुलीन, अभिजात, कुछ भी हो, यानी कि मैंने इसमें लिखा भी होगा कि इसे आर्य सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उदांत, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र। यानी कि आर्य शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ, संभ्रांत, कुलीन, अभिजात, स्वतंत्र या उत्कृष्ट, इस तरीके का अर्थ निकलता है आर्य का। चूंकि आर्य का अर्थ इसलिए जानना है क्योंकि यह जो वैदिक संस्कृति है ना, इसके जो पोषक थे ये आर्य ही थे, इनके द्वारा ही इस संस्कृति का डेवलपमेंट किया गया था। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि वैदिक काल में यह प्रवेश करता है। पहली चीज संपूर्ण वैदिक काल के लिए थी, और हमने नोटबुक पर आपको विभाजित करके यह बताया भी कि वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है, और दोनों को क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति। तो अब यहाँ पर वैदिक काल जहाँ लिखा हुआ है अस्पष्ट तिथि, आप देख सकते हैं कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की चर्चा की गई है। साथ ही सिंधु सभ्यता के विपरीत यहाँ बताया गया है कि वैदिक सभ्यता है कैसी है, एक ग्रामीण है, यानी कि एक ग्रामीण संस्कृति के पोषक है। साथ ही आर्यों के आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण और कृषि उनका गौड़ धंधा है। ध्यान रखिएगा, मुख्य धंधा क्या लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है कि मुख्य पशुचारण और कृषि उनका गौड़ धंधा था। ठीक, यानी कि कृषि भी अभी ठीक तरीके से नहीं करते थे। फिर आर्य लोग अस्थाई या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे क्या करते हैं, कोई ठोस भौतिक प्रमाण या अवशेष नहीं छोड़ पाते हैं, जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में पाते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे, इस बात का प्रमाण कैसे मिला, उनके द्वारा बनाए गए जो नगर है उनमें जो स्थित सभा भवन है, अन्नागार है, स्नानागार है, यानी जो भौतिक अवशेष मिले हैं उन्हीं के आधार पर हम कयास लगाते हैं। लेकिन जब हम वैदिक संस्कृति का इतिहास पढ़ते हैं तो इस तरीके के भौतिक अवशेषों का अभाव दिखाई देता है, यानी उस तरीके के अवशेष नहीं देखे जाते जैसे सिंधु में देखे गए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो वैदिक समाज को समझने का एक सबसे अच्छा माध्यम था, या कह लें कि संपूर्ण वेदों पर ही वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम जान सकते हैं। यानी कि एक पूर्व वैदिक काल को जानने के लिए हमें सिर्फ एक वेद का सहारा लेना है, और वो है ऋग्वेद, जबकि बाकी के जो तीन अन्य वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल के हैं, जो कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में है। ये कब के हैं, उत्तर वैदिक काल के, जबकि ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का है। इसके समानार्थी अगर किसी ग्रंथ को रखा गया है, और ध्यान रखिएगा ऋग्वेद की जो पांडुलिपियां हैं वो कहीं ना कहीं यूनेस्को ने अपने धरोहर में भी सूचित करके रखा है, उसको संचित किया गया है, यूनेस्को के धरोहर सूची में वो शामिल है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के समान अगर विश्व में उसके आसपास कोई ग्रंथ दिखाई देती है तो उसका नाम है जिंद अवेस्ता, और जिंद अवेस्ता किसकी ग्रंथ है, पारसी ग्रंथ है। ठीक, और उसमें यह भी पाया गया है कि कुछ ऋग्वेदिक जो देवता हैं उनकी तुलना या उनके समान चर्चा जिंद अवेस्ता में भी किया गया है, यानी उस पारसी ग्रंथ में भी किया गया है। जैसे अहूर मजदा जिंद अवेस्ता यानी पारसी ग्रंथ का सबसे श्रेष्ठ देवता के रूप में दिखाई देता है, वही वैदिक काल में या जब वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, तो उसमें हमें उसका तदाम वरुण से दिखाई पड़ता है कि हजार स्तंभों में निवास करता है, बड़ी जलराशि का सूचक है और जलराशि का स्वामी है, इस तरीके की जो बातें की गई हैं। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें कि ऋग्वेद आखिर जो है वो किस तरीके का ग्रंथ है, ऋग्वेद की अपनी क्या महत्ता है, क्यों ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल को समझने में सहायक है। ठीक, तो देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद होता यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पे यह भी दिया गया है कि होत्रवक के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। यानी यहाँ पर जो एक जानकारी दी गई, इसके पूर्व में भी आपको जानकारी दी गई है
कि हर एक वेद के साथ एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, यह वेद है और उसका उद्वाचन करने वाला यह ब्राह्मण है। ठीक उसी तरीके से सामवेद तो उद्गाता या उद्गात्या, ये क्या करता है, उद्गात्या वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन किया करते थे। किसका? यज्ञ में साम का गायन। उसी तरीके से यजुर्वेद जिसका जो ब्राह्मण है वो अधर्वयु है, ये यज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान किया करते थे। ठीक अब इससे आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद, तो हम कहते हैं यह इसका जो ब्राह्मण है वह ब्रह्म कहलाता है और वह यज्ञ निरीक्षण का कार्य करता है। यानी कि जो ऋग्वैदिक समाज है यह कैसा है, कर्मकांड प्रधान था, इसमें यज्ञ याजन की बड़ी भूमिका थी, इसीलिए हरेक वेद के साथ एक ब्राह्मण है और हरेक वेद का एक सर्टेन कार्य है। ठीक इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे पाएंगे कि आर्यों का इतिहास हमें मूल रूप से वेदों से ही ज्ञात होता है, इसलिए वेदों का बारीक से अध्ययन आवश्यक हो जाता है या वेदों का अध्ययन यहाँ पे ज्यादा जरूरी प्रतीत होता है, क्योंकि उस काल को समझने के लिए एकमात्र पुस्तक के रूप में वेद ही उपलब्ध है, उसके अलावा अन्य ग्रंथ है ही नहीं या साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव है, पुरातात्विक साक्ष्य है नहीं, क्योंकि आर्यों ने अपने पीछे कोई भौतिक अवशेष छोड़े नहीं, उस काल में विदेशी यात्री भारत में भ्रमण किए नहीं, इसलिए उस काल का विवरण भी नहीं है। यानी कि हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक साक्ष्य, उसमें भी जो ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्राह्मण साहित्य है उन्हीं पे आधारित होकर हमें इस काल का वर्णन करना होता है। दूसरी चीज हम यह भी जानते हैं कि जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता लगता है कि आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। अब अगली यहाँ पे लाइन है, दिया गया है कि ऋग्वेद में भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्दर्श है, इसमें अग्नि इंद्र मित्र वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। यानी कि हम यहाँ पर यह पा रहे हैं कि ऋग्वेद भारत या यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्दर्श है, इसमें अग्नि मित्र इंद्र वरुण आदि देवताओं का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ऋग्वेद की जो अनेक बातें अवेस्ता से मिलती जुलती दिखाई देती हैं, और अभी मैंने बताया अवेस्ता, यहाँ पे लिखा भी होगा कि ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती दिखाई देती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसका नाम है पूर्व जिंद अवेस्ता। ये किसका ग्रंथ है, पारसी ग्रंथ है। पारसी क्या होते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे, ये अग्नि पूजक है, अग्नि पूजक। हम जानते हैं कि वैदिक काल में भी कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, यज्ञ हवन कुंड के बात की गई है आर्यों के द्वारा, यज्ञ याजन की बात की गई है, बलि की बात की गई है, उसमें पशु बलि या पुरुष बलि, तमाम तरीके की बलि या अश्व बलि, ये तमाम तरीके की बलि की बात की गई है। यानी कि आर्य भी कहीं ना कहीं अग्नि पूजक ही थे, या अग्नि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये पाएंगे इनका जब धार्मिक जीवन, तो हम समझेंगे कि ऋग्वेद काल में यह मान्यता थी कि देवता और मनुष्य के बीच अग्नि ही मैसेंजर का काम करता है, एक संदेशवाहक का कार्य करता है। इसलिए आर्य हरवी या यज्ञ याजन किया करते थे और अपनी बातों को अग्नि के सम्मुख रखकर देवताओं के पास रखने के लिए उसका क्या करते थे, उद्वाचन किया करते थे या आग्रह किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी के कुछ पहले हुआ, उनके आगमन का कोई स्पष्ट या ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। कारण यह है कि अपने पीछे कोई भौतिक अवशेष छोड़े ही नहीं, तो हम कहां से पुरातात्विक प्रमाण पाएंगे। दूसरी चीज है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में जितने भी विद्वान हैं उनके अलग अलग विचार भी हैं, कोई भी विद्वान एक विचार पे सहमत नहीं है, इसी कारण यहाँ पे भी भ्रांति है, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जैसी। इसीलिए इस काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल ही कहा जाता है या उसी के अंतर्गत रखकर इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें एक स्रोत की समृद्धि है, साहित्यिक स्रोत की, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों का अभाव है, विदेशी यात्री का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी उनके विवरण का। तो यहाँ पर विचार ये है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो विचार है वो क्या है। तो जैसे हम प्रोफेसर मैक्स मुलर की बात करें या
आर.एल. स्टाइन की बात करें तो हम कहते हैं कि मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, मध्य एशिया। क्या? मध्य एशिया, यानी कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। फिर अपने भारत में भी एक विद्वान हुए, बाल गंगाधर तिलक। आप लोगों ने सुना होगा, होम रूल लीग आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। साथ ही आप लाल बाल पाल जब पढ़ते हैं तो आप वहां भी इनका दर्शन करते हैं। साथ ही उनका एक बहुत बड़ा एक उक्ति है, कोटेशन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस तरीके की बात। तो वो काफी एक संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वानों में से एक गिने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने भी आर्यों पर शोध किया और उनकी एक पुस्तक आई, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। फिर हम देखते हैं गंगानाथ झा, एक गंगानाथ झा विद्वान हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। बाद में दयानंद सरस्वती ने भी अपना विचार प्रकट किया और आर्यों के मूल निवास के रूप में उन्होंने तिब्बत को इंगित किया कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत है। साथ ही एक पेंका नामक एक विद्वान है जिन्होंने, प्रोफेसर पेंका, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास उत्तरी जर्मनी का मैदानी भाग बताया। यानी कि कई तरह के विचार, लेकिन कोई भी एक विचार पर सहमत नहीं। लेकिन बहुत शोध के बाद यह पता लगा कि जो अधिकांश विद्वान जो सबकी बातों से सहमत हुए वो थे प्रोफेसर मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का विचार ही सर्वांगीण मत पाया और उसी विचार पर सब सहमत हुए और उन्होंने कहा कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, या आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से ही आए थे। यानी कि मैक्स मुलर के विचारों को ही आज प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे या मध्य एशिया के मूल निवासी थे या वहीं से वो चले थे। जब आर्य वहां से मध्य एशिया से भारत में आए तो भारत में आकर भी उन्होंने अपना वास स्थान या निवास स्थान बनाया होगा। तो अगर वास या निवास स्थान बनाया तो उसका कुछ भौगोलिक विस्तार रहा होगा। अब उस भौगोलिक विस्तार को देखेंगे कि आखिर आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था। उसके पहले जरा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। मैंने बताया भी अभी आपको, एक लिख लीजिएगा, एक पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक। ये पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। साथ ही तिब्बत आर्यों का मूल निवास दयानंद सरस्वती बताएंगे, मध्य एशिया प्रोफेसर मैक्स मुलर बताएंगे, और मैक्स मुलर, अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं और आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी हैं, इस बात की पुष्टि की गई है। अर्थात अगर एग्जाम में पूछता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे तो आपको बताना होगा कि वो मध्य एशिया से आए थे। साथ ही एग्जाम में हाईलाइट क्वेश्चन जो रहता है वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक यदि कदे पूछ ली जाती है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की, ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्यों का विस्तार। तो आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार आरंभ में रहा होगा, या आर्य जब 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की जब हम बात करते हैं, तो उस कालखंड को समझने के लिए हमें ऋग्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर आर्यों का भौगोलिक विस्तार था तो था, कहां से कहां तक था। तो यहां पर हम देख रहे हैं, एक चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। मैंने अभी आपसे कहा भी कि पूर्व वैदिक काल का इतिहास सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से लिखा गया है, उसके अलावा कोई ग्रंथ ही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर ऋग्वेद थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है पूर्व वैदिक काल को लेके, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने से कितना मंडल क्या है, प्राचीन है, तो दूसरा से लेके 7वां मंडल प्राचीन है, बाकी 1 और 10 बाद में जोड़े गए, 9 बाद में जोड़ा गया, 8 बाद में जोड़ा गया, जबकि 2 से लेकर 7 तक प्राचीन मंडल के रूप में है। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। इस तरीके से किस मंडल में किसका या किस चीज का उल्लेख किया गया है, जैसे
कृषि क्रिया का उल्लेख, तो हम पाते हैं कृषि क्रिया का उल्लेख चौथे मंडल में किया गया है। उसी तरीके से हम जब पाएंगे कि जातीय संरचना, यह बड़ व्यवस्था की बात किस मंडल में, तो दसवें मंडल में, अभी आगे आएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से, ऋग्वेद से। फिर ऋग्वेदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख, ठीक। तो सवाल ये उठता है कि ऋग्वेदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, यानी कि सरस्वती को नदीतमा कहा गया, मातेतमा कहा गया, तो पहली सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी? तो हम जानते हैं कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी इस काल में भी, वो सिंधु नदी ही थी। सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इस काल में भी, और दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है, जिसको नदीतमा, यहाँ गलत लिखा गया है, नदीतमा, मातेतमा, मातेतमा इस तरीके, यानी कि आर्यों की प्रमुख नदी के साथ साथ एक पवित्र नदी की भूमिका में, जैसे आज गंगा को हम मानते हैं कि गंगा बहुत पवित्र नदी है, वहीं जब हम गंगा की बात करेंगे तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार होगा, यमुना का उल्लेख 3 बार होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन नदियों की यानी कि गंगा और यमुना की महत्ता ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में 1500 से 1000 ईस्वी काल में जब जाएंगे तो पाएंगे कि इनकी महत्ता थोड़ी कम है, उनके स्थान पे महत्ता बढ़ी हुई दिखाई देगी, या किसकी दिखाई देगी, तो हम पाएंगे सिंधु नदी की, दूसरा सरस्वती नदी की। इसीलिए यदि कदे जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो विचार आता है, तो कई जो विद्वान कहते हैं कि आर्यों के द्वारा यह सभ्यता नष्ट की गई, उसमें एक जो तर्क है वो यह भी है, क्योंकि आर्यों का भी विस्तार हम पाते हैं सिंधु और सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही शुरुआत में दिखाई देता है। बाद में धीरे धीरे आर्य पंजाब सप्तसिंधु प्रदेश होते हुए उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। कितनी? 25 बताई गई है, यानी कुल नदी या नदी सूक्त की बात करें तो वहां पर हम 25 नदियों का जिक्र पाते हैं। अब जब हम इसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में नदी सूक्त में व्यास, जिसके लिए एक नाम आया है बिपाशा, ठीक, को परिगणित नदी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी को परिगणित या परिगणित नदी के रूप में जिसकी उपमा है, वो कौन सी नदी है? व्यास या बिपाशा। साथ ही ध्यान रखिएगा, जब हम बताएंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि झेलम, व्यास, रावी, चेनाब, इन सबके लिए अलग अलग नाम, ठीक है, इनके लिए अलग अलग नाम ऋग्वेद में उल्लेख किए गए हैं। किसी के लिए अस्किनी कहा गया, यानी कि चेनाब के लिए अस्किनी नाम दिया गया, गंडक के लिए सदा नीरा नाम दिया गया। तो ऋग्वेद काल में जो आधुनिक नदियां हैं उनके प्राचीन नाम भी दिखाई देते हैं। हाँ, भौगोलिक स्थिति उसी प्रकार की है, इसलिए हम उस नदी से उसका तादाम्य जोड़ते हैं या उसको जोड़कर देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के रूप में सर्वत्र सप्तसिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कि सप्तसिंधु प्रदेश उसका आर्यों का आरंभिक निवास स्थल के रूप में इसका प्रयोग दिखाई देता है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरस्वती और द्विस्वती नदी के मध्य के प्रदेश को अत्यंत पवित्र माना गया है, जिसे ब्रह्मावत प्रदेश कहा गया है, यानी कि नदियों के बीच के क्षेत्र के द्वारा उस काल विशेष में जो प्रदेश के नाम दिए गए हैं उनको समझे जाने की आवश्यकता है यहाँ पे, यानी कि सप्तसिंधु प्रदेश, यानी कि जहां पर हम देखते हैं पंजाब वाला इलाका, ठीक है। फिर जब उससे आगे बढ़ते हैं तो सरस्वती और द्विस्वती नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसको अत्यंत पवित्र माना गया है, ठीक, और उसे ब्रह्मावर्त प्रदेश के रूप में उल्लेख मिलता है। अब हम पाएंगे कि ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का भी जिक्र है। कहते हैं कि हिमालय की चोटी मुजवंत, ये क्या था? मुजवंत पर्वत, ये मुजवंत पर्वत से कहते हैं कि आर्यों का जो सबसे पेय पदार्थ है वो है सोम, सोम का पान किया करते थे आर्य, और सोम जो था इसकी उपलब्धता मुजवंत पर्वत पर ही थी। और ये कहाँ है? हिमालय और उसकी चोटी, यानी कि हिमालय से जुड़ा हुआ मुजवंत पर्वत है, और वहीं पर क्या है? सोम, सोम यानी कि एक
पेय पदार्थ है जो पाया जाता है और उसको आर्यों के द्वारा वैदिक जो यज्ञ यासन किया जाता है उस अवसर पे उसको पिया जाता है। ठीक, आगे अब आरंभिक चीजों को हम देखें, जैसे उनके भौगोलिक विस्तार को कि वो कहां से कहां तक दिखाई देते हैं या उनका विस्तार किस तरीके का दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये ध्यान दीजिएगा कि आर्यों का जो आरंभिक विस्तार था, जरा इसको हम लोग आ जाते हैं नोटबुक पर। ठीक है, जब आरंभिक विस्तार की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भारत का क्षेत्र, जैसे कि जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, यही कहीं ना कहीं शुरुआत में आर्यों का क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, हमने जब ऋग्वेदिक काल का अध्ययन किया तो हमने पाया कि सिंधु नदी दूसरा सरस्वती नदी, यही दो नदियां हैं जो आर्यों के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नदियों का अगर इलाका हम पाएं तो हम देखेंगे कि ये नदियां आज भी उत्तर पश्चिम की तरफ ही स्थित हैं, उस कालखंड में भी उत्तर पश्चिम की तरफ ही रही होंगी। हम पाते हैं कि आर्यों का आरंभिक विस्तार उत्तर पश्चिम पंजाब के इलाके में आरंभिक तौर पे हुआ, बाद में उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बिहार तक अपने विस्तार को पूरब में कर लिया और धीरे धीरे वो विंध्यल पर्वत को भी दक्षिण की तरफ क्रॉस होने लगे, यानी कि विंध्यल पर्वत को पार करके द्रविड़ इलाकों में भी उन्होंने प्रवेश शुरू कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआती होगा उस पहले पूरब की तरफ और विंध्यल की तरफ जाने यानी कि दक्षिण में जाने में बहुत समय लग जाएगा। अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर कि आर्यों की आरंभिक जो थी राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की दिखाई देती है। देखिए, आर्यों के जनजीवन को समझने से पहले यह ध्यान रखिएगा कि यह एक ऐसी सभ्यता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं जिसके स्रोत के रूप में वेद हैं, और वेद क्या है, आज भी हिंदू धर्म की सबसे मान्य पुस्तकें हैं, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, इन्हें अपौरुष माना गया है, यानी कि इन्हें यह माना जाता है कि इनकी रचना या जिसमें जो बातें इनमें कही गई हैं वो ईश्वर प्रदत्त है। हालांकि रचनाकार के रूप में वेदाभ्यास को माना जाता है, लेकिन इन्हें अपौरुष कहकर संबोधित किया गया है। दूसरी चीज, अब जब इनकी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने अपने अध्ययन के शुरुआती तौर में ही कहा कि आर्य क्या है, एक कबीलाई समाज का वाहक है, यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार इकाई के रूप में कैसा है, पितृसत्तात्मक परिवार को फॉलो करता है। जबकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे थे, वो कैसा था, वो मातृसत्तात्मक सत्ता को मानता था। अब जब हम ऋग्वेद काल को पूरा खत्म करेंगे तो हम लास्ट में सिंधु से क्या भिन्नता है उसको भी वहां प्रकट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी इनके राजनीतिक जीवन पे तो हम देखते हैं कि आर्य कबीलाई संरचना में रहने वाला है। दूसरी चीज ये है कि यह अस्थाई निवास नहीं करता है, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो हम पाएंगे कि यह पितृसत्तात्मक परिवार, सत्तात्मक परिवार, ये पितृसत्तात्मक परिवार को मानने वाला था। दूसरी चीज यहां पे और चीज देखेंगे कि ये जो कबीलाई संरचना है उसका एक मुखिया होता है, उस मुखिया के द्वारा आर्य संचालित होता है। अब उनके राजनीतिक इकाई की छोटी छोटी चीजों को हम देखना शुरू करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों की कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले कौन कौन है, अनु, द्रुह, यदु, तुरु, पूर्वस, यानी 5 आर्यों की बात, यानी इन्हें पांच जन्य कहा गया, और ये थे अनु, द्रुह, पुरु, तुरु, युद्ध या यदु। ठीक है, यदे कदे युद्ध मिलेगा, कहीं कहीं यदु भी मिलेगा, तुझे घबराइएगा मत। ग्राम 20 तथा जन से उच्चतर इकाई थी, यानी कि हम पाए कि परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई के रूप में है, परिवार के बाद गांव की संरचना हुई होगी, यानी कि ग्रामीण जनजीवन चला होगा, ग्राम के बाद विष की बात की गई और विष के बाद जनपद की बात की गई। इनका अगर हम राजनीतिक इकाई के रूप में देखें तो हम क्या पा रहे हैं कि सबसे पहले आर्य एक परिवार में संगठित है, परिवार के बाद कई परिवार जब मिलते हैं तो एक गांव का रूप ले लेता है, और कई गांव जब एक साथ जुड़े जाते हैं
तो विश बन जाता है, और कई विश को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो जनपद बन जाता है। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार है, लेकिन जनपद या जन के अलावा महाजनपद शब्द का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। इसलिए महाजनपद जैसी इकाई कब आएगी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि उत्तर वैदिक काल के कुछ समय बाद। अब यहाँ पे आते हैं तो लिखा मिलता है कि ग्राम विश तथा जन से उच्चतर इकाई थी। तो हम पाए कि सबसे छोटा क्या है? परिवार है। परिवार से बड़ा क्या है? ग्राम है। और ग्राम से बड़ा विश है, और विश से बड़ा जनपद है। ये इनकी आरंभिक राजनीतिक व्यवस्था की इकाई रही होगी। दूसरा, ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे, और ग्रामीणी ग्राम का प्रधान होता था, यानी गांव का एक मुखिया होता, जैसे परिवार का मुखिया, तो परिवार का जो मुखिया तो उसको कहते हैं कुलप, ग्राम का मुखिया तो ग्रामीणी, ठीक। विश का मुखिया विश्वपति, और जनपति या जनपद, जनपद का जो प्रमुख वो राजा, उसको क्या कहा गया? राजा। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले परिवार, ग्राम, विश, जनपद। ग्राम परिवार, तो परिवार का जो मुखिया हो गया कुलप, इसको कहते हैं कुलप, ठीक, या कुलपति। फिर ग्राम, तो ग्राम का जो मुखिया उसको क्या बोले? ग्रामीणी। विश का प्रधान विश्वपति, और जनपद का जो अधिपति, जो सबके ऊपर है, वो कौन था? राजा स्वयं होता था। यानी कि परिवार उसका मुखिया, ग्राम उसका मुखिया, विश उसका मुखिया, जनपद और उसका मुखिया। यहां तक क्लियर होगा। अब समझिएगा, इन सारे जो राजनीतिक इकाई है, इनमें सबसे छोटी इकाई परिवार है, और सबसे बड़ी इकाई जनपद है, जिसका प्रमुख राजा है। अब यहां से राजा यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के संचालक के रूप में, राजा यानी कि सारे कबीलों के प्रधान के रूप में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुल है या परिवार है, ग्राम है, विश है, तो कई गांव, गांव में एक टाइप के लोग नहीं होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, तो कई कबीलाई लोग एक गांव में होते होंगे, और कई गांव को मिलाने के बाद एक विश का निर्माण, और कई विश के ऊपर एक जनपद, ठीक, और जनपद का प्रमुख राजा, इसको ध्यान रखेंगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, विश कई गांवों का समूह था, लिखा हुआ है, और इसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। अनेक विशों के समूह जनपद होता था, और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था, ठीक। यहाँ पे क्लियर हो गया, वही बात सारी आगे लिखी हुई है, ठीक। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। क्या आया है? राष्ट्र शब्द। किसके लिए आया है? तो देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का संबोधन हुआ है। कभी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का संबोधन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन में देश या राज्य दिखाई दे तो आप लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख है वो लगभग 275 बार किया गया है, जबकि जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं है। यानी कि हम पाते हैं कि ऋग्वेद शब्द में 275 बार किसका? जन शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है, या महाजनपद का उल्लेख भी नहीं किया गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल में राजा का जो पद है वो अनुवांशिक हो चुका था। ऐसा लिखता है कि राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, फिर भी यहां पर अभी भी ऑप्शन थे क्या कि प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। कबीले की आम सभा और समिति क्या करती थी? राजा को चुनती थी। यानी कि राजा का पद, भले ही कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में राजा का पद वंशानुगत हो चुका था, कुछ लोग का मानना है कि नहीं, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर यह तर्क दिया जाता है कि सभा और समिति ये दो तरीके की संस्था है। ऋग्वेदिक कालीन जो संस्थाएं हैं उनमें जो पहली जो संस्था है उसे कहते हैं सभा, और दूसरी जो है वो समिति। अगर हम इनका जिक्र करें तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद काल में सभा का 8 बार और समिति का 9 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। कई बार पूछता है कि सभा और समिति, ठीक है, और अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या बोला गया? प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया। कहां? अथर्ववेद में। जबकि ऋग्वेद में हम पाते हैं कि सभा शब्द 8 बार और समिति शब्द 9 बार आया है। हालांकि
इनसे पुरानी एक अन्य संस्था है जो कि राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी कि राजा निरंकुश न होने पाए। कारण राजतंत्रीय व्यवस्था थी, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका तीनों ही शक्तियां किसमें थी, एक व्यक्ति में आसीन थी। तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं कार्य कर रही थी, पहली संस्था सभा थी, दूसरी संस्था समिति थी। लेकिन इनके पूर्व भी एक संस्था थी जो इनके पूर्वगामी है, जिसका ऋग्वेद में लगभग उल्लेख 122 बार आता है, ठीक है, जिसको कहते हैं विदत। क्या कहते हैं? विदत। विदत इसका उल्लेख 122 बार आया है। ये सभा और समिति की अग्रणीय संस्था है, ठीक। बाद में विदत की महत्ता समाप्त होने लगी और उनके जगह पे सभा या समिति की बात होने लगी, वो अभी आगे आएगा। फिलहाल यहां हम देखते हैं कि राजा को कबीले का संरक्षक या गोप्ता जनस्य, पूरा भेता यानी कि नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। यानी कि राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोप्ता जनस्य या पूरा भेता, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया, ठीक। यानी राजा की उपाधि है ये, आरंभिक उपाधि, कबीले के संरक्षक के रूप में उसे जनस्य गोप्ता या गोप्ता जनस्य कहा गया है, या पूरा भेता तब कहा गया जब वो नगरों पर विजय प्राप्त करता है। दूसरी चीज, ऋग्वेद में सभा और समिति, विदत तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। अब देखिए अगली लाइन ही है कि किस कार्य को देखते थे, तो हम कहते हैं कि ये संगठन विचारात्मक रूप से सैनिक और धार्मिक कार्यों का देखरेख करते थे। और इसमें संस्था कौन है? सभा है, समिति है और विदत है। मैंने कहा कि ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार, समिति शब्द का 9 बार और विदत शब्द का 122 बार उल्लेख आया है। इसलिए पता चलता है कि विदत जो थी सभा और समिति की अग्रगामी संस्था थी और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था का निर्वहन पहले ही कर रही थी, उसी की जगह सभा और समिति ने ले लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किसमें? सभा और विदत में। यानी कि इस काल यानी कि ऋग्वेदिक पूर्व वैदिक काल में हम पाते हैं कि महिलाओं की इतनी स्वतंत्रता थी कि वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी, अपने निर्णयों को सभा या समिति या विदत में क्या कर सकती थी, रख सकती थी, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकती थी, ठीक। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। अब बात हुई कि भाई हम तो पढ़ते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो समस्त भूमि का स्वामी राजा ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्यजनक चीज आपको दिखाई देगा ऋग्वेदिक काल में कि राजा भूमि का स्वामी नहीं है, यानी कि उसे भूमि अधिग्रहण का अधिकार नहीं था। वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। क्या था? युद्ध का स्वामी था। देखिए हम एक ऐसे समाज का अभी अध्ययन कर रहे हैं जो सांस्कृतिक रूप से अभी जिसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, जो अभी अस्थाई निवास कर रही थी, जो अभी धीरे धीरे अपनी पैर जमीन पर फैला रहे थे, उस काल का अध्ययन कर रहे हैं जहां अभी बहुत परिपक्व राजनीतिक व्यवस्था नहीं दिखाई देगी, जहां बहुत परिपक्व सामाजिक संगठन नहीं दिखाई देगा। हाँ, उन मजबूत या कहिए राजनीतिक या सामाजिक संगठनों की आधारशिला यही होते हुए दिखाई देगी जो बाद के कालों में चलकर बहुत मजबूत बनता है या मजबूत बनकर उभरता हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि युद्ध के लिए राजा के पास सेना थी और ऋग्वेद में वर्णित सार्ध, व्रात और गण आदि संभवतः क्या थी? सेना की इकाइयां थी। तो समझने वाली बात यहाँ पर एक चीज आ गई कि जब ऋग्वेद काल में कहा गया कि राजा क्या था? भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि वह युद्ध का स्वामी होता था। उसका स्वामित्व सिर्फ युद्ध तक था, वह युद्ध का स्वामी था और युद्ध के लिए राजा के पास अपनी सेना होती थी और इसी सेना को ऋग्वेद में सर्द, व्रात या गण आदि संभवतः सेना की इकाइयों के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि सैन्य इकाई के रूप में ऋग्वेद में कुछ एक शब्द आए हैं जिनमें सर्द, व्रात या गण का उल्लेख किया जा सकता है जो सेना की इकाई के रूप में था। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। राजनीतिक जीवन में अब पुरंदर की क्यों महत्ता?
तो देखिए ऋग्वैदिक जो समाज है वो कमिलाई संरचना पे आधारित है। यहाँ पर शुरुआत में पाएंगे कि पहले आर्य की बात, फिर आर्यों का अनार्यों से संघर्ष, तो आर्य कौन अनार्य कौन सबसे बड़ी बात, पांच आर्य कबीले की चर्चा, जैसे अनु द्रुह यदु तुरु पुरुष उसी तरीके से पांच अनार्यों की चर्चा, अनिल पक भलानस सभी विषाणिन, तो ये पांच आर्य पांच अनार्य। इसके अलावा अन्य कबीलाई संरचनाएं मौजूद थी समाज में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि एक मजबूत कबीला दूसरे कबीले पर, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे क्या करता था, एक दूसरे पे आक्रमण की प्रवृत्ति रही होगी या एक दूसरे से बड़ी इकाई बनने की होड़ रही होगी, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पे अपना विस्तार करने का होड़ रहा होगा। इस क्रम में कई युद्ध हुए होंगे, उन्हीं युद्धों में खूब संचालित करने के लिए सेना की आवश्यकता होगी। इन्हीं सैन्य इकाइयों को ऋग्वेदिक काल में सर्द व्रात या गण कहकर संबोधित किया गया। अब आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का या ऋग्वेदिक कालीन समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो है इंद्र। तो इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 250 बार हुआ है। कितना? 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है और इंद्र को ऋग्वेदिक काल में पुरंदर कहकर संबोधित किया गया है, यानी कि पुरों को ध्वस्त करने वाला। तो यहां पर हम देखेंगे कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया और इसका उल्लेख 250 बार। यही लिख लीजिएगा, यह पूर्ववैदिक काल का, पूर्ववैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता। ठीक, कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ जिसमें 5 आर्य तथा 5 आर्यतर जनों के प्रधान थे। यहाँ दशाराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, यानी कि अब तक विश्व की सबसे प्राचीन लड़ी गई लड़ाई जिसका उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ में है जिसका नाम है ऋग्वेद, और जिस लड़ाई को लड़ा गया यानी कि विश्व की जो सबसे प्राचीन लड़ाई थी उसे कहते हैं दशाराग युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब हम शुरू में ही मैंने कहा कि कबीलाई संरचना थी, क्या करते थे, एक कबीले दूसरे कबीले पे आक्रमण करते थे और अपने भौगोलिक विस्तार में ये क्या थे, प्रयासरत थे। उसी क्रम में हम पाते हैं कि एक भरत वंश के राजा सुदास हैं तथा अन्य 10 राजाओं के साथ क्या होता है, युद्ध करते हैं जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 जो आर्य थे उनमें अनु द्रुह त्रु यदु पूर्वस और 5 अनार्य अनिल पक भलानस सभी विषाणिन। ये 5 और 5 अनार्यों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया और किसके खिलाफ, सुदास के खिलाफ, यानी राजा सुदास के खिलाफ उन्होंने 5 आर्य और 5 अनार्यों का एक संगठन बना। इसे ही दशाराग युद्ध का कहा गया या दशाराग युद्ध कहकर संबोधित किया गया। साथ ही यह विश्व का प्रथम युद्ध है जिसमें 10 राजाओं के साथ लड़ाइयां पारुषणी नदी, पारुषणी नदी यानी रावी, ठीक है, रावी के तट पर, पारुषणी यानी कि रावी नदी, रावी नदी के तट पर यह लड़ाई लड़ी गई जिसमें 10 राजाओं के संघ को किसने, सुदास ने पराजित किया था। यानी इस युद्ध के विजेता कौन थे, सुदास थे, और उन्होंने क्या किया, 5 आर्य और 5 अनार्य के सम्मिलित संगठन को पराजित करके अपनी प्रभुता स्थापित की। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दशाराग युद्ध में सुदास की विजय हुई और पराजित जनों में सबसे जो प्रमुख थे वो पुरु थे, यानी कि पुरु ने क्या किया था, 5 आर्य और 5 अनार्यों को संगठित किया था, किसके खिलाफ, सुदास के खिलाफ। कालांतर में यही जो पुरु थे वो भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और यहीं से एक अन्य कबीला या एक अन्य नया कुल चला जिसे कुरु कहा गया, यानी कि कुरु की बात, यानी कि कुरु वंशियों की बात। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो कुरु वंश की चर्चा सुनते हैं, ठीक, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं वहां से भी है। तो वो चूंकि हमारा विषय नहीं है, विषय यही है कि क्षेत्र विस्तार कैसे हो रहा है। तो हमने पाया दशाराग युद्ध हुआ जिसमें एक राजा सुदास है, 10 राजाओं के संघ को पराजित करते हैं, जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य हैं। यह युद्ध पारुषणी नदी यानी कि रावी नदी के तट पे होता है, सुदास विजयी घोषित होते हैं। बाद में जो पराजित जन में जो सबसे प्रमुख था वो कबीलाई संगठन, उसका नाम है पुरु, और वो पुरु भरतों के साथ मिलकर, यानी कि भरतों और
पुरुओं के बीच क्या हो गई, बाद में मैत्री हो गई और उस मैत्री से एक नया वंश चला जिसे कुरु कहकर संबोधित किया गया या कुरुकुल के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक इकाई जब पढ़ रहे हैं तो हमने राजा की चर्चा सुनी, राजा के द्वारा जो क्षेत्र विस्तार किया जा रहा था उसकी बात को समझे कि कैसे एक कबीलाई संगठन दूसरे कबीलाई या कैसे संगठन बनाकर एक साथ युद्ध लड़ना। अब उसके बाद अगर राजा है तो राजा की सहायता के लिए भी कुछ अधिकारी रहे होंगे, तो उन अधिकारियों को भी जरा समझ लेते हैं कि राजा की सहायता के लिए ऋग्वेदकाल यानी कि पूर्व वैदिक काल में कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे। जरा देखिएगा यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ऋग्वेद में सेनानी, एक सेनानी शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका तात्पर्य सेनापति से है। दूसरा पुरोहित तथा शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख किया गया है या उसका उल्लेख मिलता है जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्रायः पुरोहित का जो पद था ये वंशानुगत होता था। हम जानते हैं कि जो दशाराग युद्ध भी जो हुआ था, ये दशाराग युद्ध भी कहीं ना कहीं पुरोहितों का ही परिणाम था। इसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र के आपसी क्लेश के रूप में देखा जाता है। जब इस युद्ध को आप गहराई से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सुदास के जो पुरोहित हैं और जो आप देखेंगे अनु, उनके जो पुरोहित हैं, इन दोनों के आपसी क्लेश का कारण था दशाराग युद्ध। यानी कि दो पुरोहितों का आपसी में एक ईगो टकरा गया और उसके कारण दशाराग युद्ध का होना अवसंभावी हो गया। हालांकि उसके मूल में क्षेत्र विस्तार था यानी कि भौगोलिक विस्तार। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में सेनानी है जो सेनापति है जो राजा के सहयोग के लिए है, साथ ही पुरोहित है, साथ ही अन्य शासकीय पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है और जो कि समय समय पे क्या करते थे, राजा की सहायता करते थे। प्रायः पुरोहित का पद वंशानुगत था ऐसा विचार आता है, लेकिन जो अन्य शासकीय पदाधिकारी हैं वो कौन से हैं, तो हम पाएंगे कि इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी में सूत हैं, रथकार हैं और कर्मकार भी थे जिन्हें रत्नी कहा गया है। यानी कि जब ऋग्वेद का हम अध्ययन करते हैं तो राजा के सहयोग के लिए 12 रत्नियों का जिक्र है। कितने? राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। ठीक है, और ये राज्याभिषेक के अवसर पे क्या होते थे, उपस्थित भी होते थे। यानी कि राजा की, राजा को संप्रभुता दी जाती थी कब, जब उसका राज्याभिषेक किया जाता था कि नहीं अब सारी संप्रभुता राजा में व्याप्त है। ठीक है, अब ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के शीर्ष पर बैठेगा। उस समय शक्ति पृथक्करण सिद्धांत था नहीं, मोंटेस्क्यू अभी आए नहीं थे तो वो लागू नहीं हुआ था, तो सारी शक्तियां क्या थी, राजतंत्र में हम पाते हैं कि सारी शक्तियां राजा में ही थी। लेकिन ये वैदिक कालीन राजा है वो क्या कैसा है, वो नियंत्रणशील है, उस पर नियंत्रण के लिए कुछ अन्य संस्थाएं हैं जिन्हें सभा समिति कहते हैं, साथ ही राजा के सहयोग के लिए सेनानी है, पुरोहित है, उनके अलावा हम देखते हैं सुतकार, रथकार, कर्मकार, इस तरीके से लगभग राजा समेत 12 रत्नियों का जिक्र किया गया है जिन्हें राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए संबोधित किया गया है, किया गया है। अब आगे देखते हैं कि एक अन्य अधिकारी है राजा का जिसे पूरब कहा गया है। क्या? पूरब या दुर्गपति होता था जो सैन्य कार्य करता था, साथ ही दुर्ग का अधिपति होता था। यानी कि राजा के द्वारा जो दुर्ग बनाए जाते थे उसको पूरब के नियंत्रण में रखा जाता था और साथ ही वो सैनिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था। एक अन्य अधिकारी स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देख रेख करने वाला गुप्तचर होता था। यानी कि ऋग्वेदिक काल में गुप्तचर प्रणाली का डेवलपमेंट हो चुका था। राजा लोगों के चीजों के या लोगों के बीच घटित होने वाली जो घटनाएं थी उनको अपने एक विशेष अधिकारी स्पष्ट या स्पष्ट के माध्यम से क्या करता था, जानता था। और वो क्या करता था, स्पष्ट जनता की गतिविधियों पे नजर रखता था और जनता की गतिविधियों से राजा को अवगत कराता था। यानी कि पहली बार, प्रथम बार गुप्तचर शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं दूत जो कहते हैं समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। यानी कि स्पष्ट और साथ ही साथ दूत एक राजा दूसरे राजा से अपने संदेश को ले जाने के लिए जिसे रखता है, जिसे कहते हैं दूत, डाकिया। ठीक,
आम भाषा में समझे डाकिया, यहाँ की बात वहां तक ले जाने वाला और वहां की बात पुनः आप तक ले आने वाला, एक तरीके का सिस्टम, प्राचीन सिस्टम, ठीक है। फिर अब एक अन्य और अधिकारी ब्राजपति, ब्राजपति का उल्लेख आया है, ये बड़ा ही मार्केबल अधिकारी है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, चूंकि यह गोचर भूमि का अधिकारी था, ठीक है। गोचर भूमि क्या होती है, जहां हमने कहा कि आर्यों का आरंभिक जीवन कैसा है, पशुचारण वाला है, पशुचारण का जीवन है। साथ ही हम देखते हैं ये यावर है, घुमक्कड़ है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, आता जाता दिखाई देता है। उस क्रम में हम पाएंगे कि यहाँ पर गो और गोवंशीय चीजों की महत्ता भी दिखाई देती है, खासकर गो यानी कि गौ यानी गाय, गाय को कहा गया है अघन्या यानी न मारने योग्य, आर्य इसे बहुत पवित्र साधन के रूप में इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा, वस्तु विनिमय में गायों का प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, गाय संपन्नता की सूचक हो जाएगी, ठीक है। गाय से कई शब्दों की संरचना दिखाई देगी ऋग्वेद में, तो गाय की महत्ता बढ़ेगी। तो यहाँ पर वाज्रपति यानी गोचर भूमि, जहां पर गाय भैंस के चरने के लिए जो भूमि होती है, आप सामान्य जगह पे भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी, तो वहां कुछ जगहों पे गोचर भूमि छोड़ी जाती है ताकि पशु आके अपना चारण कर सकें, वो सरकार के द्वारा छोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुलप यानी परिवार का मुखिया होता था, ठीक ना। यहाँ पर अधिकारियों की चर्चा है, तो ब्राजपति अंतिम अधिकारी और कुलप परिवार के मुखिया को कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में मंत्रियों तथा मंत्री परिषदों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि 12 राजा समेत 12 रत्नियों की चर्चा है। किसकी, 12 रत्नी की चर्चा की गई है, जो कि समय समय पे राजा को भिन्न भिन्न कार्यों में क्या करते थे, सहयोग किया करते थे, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था, यानी कि हम देखेंगे कि कुछ केंद्रीय राजनीतिक संस्थाओं का भी जिक्र है, जहां से क्या किया जाता होगा, शासन प्रणाली को चलाया जाता होगा एक राजा के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर हम पाएंगे कि ऋग्वेद में किसी मंत्री परिषद या मंत्रियों का उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्यतः जनता की प्रतिनिधि सभा होती थी। कौन सी, केंद्रीय राजनीतिक संस्था के रूप में सभा। अभी मैंने कहा था सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार, ठीक है। और इन दोनों की पूर्वगामी संस्था के रूप में मैंने बताया था विदत, ध्यान रखिएगा। तो राजनीतिक संस्था के रूप में जो सामान्य जन की जो संस्था थी वो सभा थी, यहाँ पे सामान्य जन के लोग बैठते थे, जबकि समिति, जो समिति थी इसमें राजा की नियुक्ति पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण करने का अधिकार रखती थी। और ये कैसी संस्था थी, ये विशिष्ट जन की संस्था थी, विशिष्ट जन, ठीक है। सभा आम जन की सभा है, आम जन भाग ले सकता है कोई भी, लेकिन समिति विशिष्ट जन की संस्था थी, जो क्या करती थी, राजा की नियुक्ति पदच्युत करने तथा उस पर नियंत्रण करने का अधिकार राजा को रख सकती थी। राजा अगर कर्मण्य हो जाए तो समिति हटा सकती थी, या राजा के द्वारा कोई निर्णय लिया गया तो उस पर रोक लगा सकती थी। इतनी पावरफुल संस्था थी, कौन, समिति। जबकि सभा कैसी संस्था है, यह भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में, केंद्रीय राजनीतिक इकाई के रूप में, लेकिन सभा कैसी, आम जनों की सभा, ठीक है। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं विदत या आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा या वृद्ध एवं श्रेष्ठ अभिजात सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि उसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई, ठीक है। ऋग्वेद के उत्तर काल में इसकी स्थापना हुई, यानी कि शुरुआती काल में नहीं, यानी कि पूर्व वैदिक काल को जब हम पढ़ते हैं 1500 से 1000 ईस्वी का जो अध्ययन करते हैं, उस काल के आरंभ में नहीं, बल्कि उस काल के अंतिम में यह संस्था यानी कि सभा प्रकाश में आती है। वहीं समिति का जो सभापति होता था, क्योंकि समिति एक पावरफुल संस्था थी, विशिष्ट जनों की संस्था बताया, एक ऐसी संस्था है राजा को नियुक्ति पदच्युति करने पर या उसके अधिकारों पर नियंत्रण करने का काम, ये दो काम सभा और समिति दोनों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन समिति के द्वारा विशेष प्रस्ताव लाए जाते थे। समिति का जो सभापति होता है उसी को ईशान कहा गया। अब ऋग्वेद में
मध्यमसी शब्द से विदित होता है कि यहाँ पर पंच निर्णय का कार्य भी होता था। एक शब्द आया है ऋग्वेद में मध्यमसी, जो कि इंगित कराता है कि पंच निर्णय द्वारा न्याय किया जाता था। साथ ही उग्र और जीव ग्रह जैसे पुलिस कार्य करने वाले अधिकारियों का भी उल्लेख है, जो पुलिस कार्य करते थे। कौन? तो पहला उग्र और दूसरा जीव ग्रह। यानी कि कह सकते हैं यहां पर जरा ध्यान दे लीजिएगा ऊपर में कि आरंभिक जो पुलिसिया इकाई के रूप में है, तो हम देखते हैं कि उग्र और जीवग्रभ संभवतः पुलिस कर्मचारी होते थे और वैदिक जीवन में न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। यानी कि प्रश्न विनायक जो शब्द आया है वो न्यायाधीशों के लिए आया है, उग्र या जीवग्रभ जो शब्द आया है ये पुलिस अधिकारियों के लिए आया है। यानी कि ये ग्रामीण प्रशासन या जो कबीलाई संरचना थी उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करते होंगे उग्र और जीवग्रभ। वही जो न्यायिक जो मतभेद या जो न्याय से संबंधित कार्य था वो प्रश्न विनायक के द्वारा किया जाता रहा होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आर्यों के सामाजिक व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वेद काल में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की दिखाई देती है या समाज किस तरीके का दिखता है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक संगठन का जो आधार है ऋग्वेद में उसे गोत्र या जन्ममूलक संबंधित बताया गया है। साथ ही परिवार समाज की आधारभूत इकाई के रूप में है। वहीं परिवार का जो प्रधान है उसको मुखिया या कुलप या गृहपति, कुलप या गृहपति क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। आर्य समाज अगर हम बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि यह पितृसत्तात्मक सत्ता को मानने वाला है या पितृसत्तात्मक सत्ता का वाहक था, परंतु नारी को मातृ रूप में काफी सम्मान प्राप्त था। यानी कि उस काल की जो आधी आबादी थी उसे काफी सम्मान उस काल में दिया गया। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी था, यानी कि पुत्र को ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। इसमें पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था, ऐसा वैदिक काल में यानी कि पूर्व वैदिक काल में कहा गया। फिर पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा ले सकती थी और ऋग्वेदिक काल में हम पाते हैं कि संयुक्त परिवार की प्रथा भी दिखाई देगी, यानी कि संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली की प्रथा यहाँ देखी जा सकती है। परिवार की संपन्नता या उसका जो मापदंड था, यानी कि परिवार जो एक जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी संपन्नता, यानी कि यह माना जाता था कि परिवार का आकार उसकी संपन्नता का मापदंड के रूप में है। इसके लिए बृहदता शब्द का भी प्रयोग किया गया है जो कि बड़े परिवारों की तरफ इंगित करता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह बहुत ही शून्य स्तर पर दिखाई देते हैं। यानी कि जब ऋग्वेद के दसवें मंडल की हम बात करते हैं, जब पुरुष सूक्त की बात करते हैं, तो वहां से हम पाएंगे कि ऋग्वेदिक समाज में एक उक्ति उभर कर सामने आती है जिसमें कहा गया ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरुदरस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यानी कि ऋग्वेद के दसवें मंडल पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जब विराट पुरुष की बलि दी गई तो उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसके भुजाओं से क्षत्रिय उत्पत्ति, उसके पेट यानी उदर से किसकी, वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो एक ही विराट पुरुष से ये चारों वर्ण निकले हैं और ये कर्म आधारित थी ना कि जन्म आधारित थी, ये भी ध्यान रखना होगा। जब इसको हम समझेंगे ठीक से तो जानेंगे कि जो आरंभिक वर्ण व्यवस्था है जो सामाजिक जीवन में जो ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल में दिखाई देती है वो व्यवस्था वो जन्म आधारित नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था कर्म आधारित है। क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह एक उक्ति आई है कि मैं एक ऋषि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, हम भिन्न भिन्न कार्य व्यवसायों को करते हुए ऐसे रहते हैं जैसे पशु एक बाड़े में। तो कहने का मतलब है कि इस काल में ब्राह्मण का पुत्र वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, जिस कर्म को वो करता हो उसके आधार पे। बाद में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई। यहाँ पर हम पाएंगे कि यह जाति का रूप ले लेती है। उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखेंगे कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय,
वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र शूद्र, जबकि पूर्व वैदिक काल में इस तरीके की अवधारणा का अभाव दिखाई देगा। वहां ब्राह्मण का पुत्र वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, एक शूद्र का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। यानी कि जिस कर्म को करता होगा उसी वर्ण से वो जाना जाएगा, यानी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित देखी जा सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने मूल चीज पे। सामाजिक संगठन का आधार मैंने यहाँ बताया है कि क्या है, गोत्र है। सामाजिक संगठन का आधार क्या है, गोत्र है। और गोत्र को हम देखते हैं, गोत्र या जन्ममूलक संबंध था, ठीक है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहकर संबोधित किया गया। और आर्य समाज हम जानते हैं पितृसत्तात्मक सत्ता को मानता है, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान देता हुआ दिखाई देगा। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी या उत्तराधिकारी होता था। इसमें पुत्री का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, पुत्री का कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में मुख्य रूप से भाग लेती थी या लेती हुई देखी जा सकती है। दूसरी चीज, ऋग्वैदिक काल में हम एक चीज पाते हैं कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा है। यहाँ मैंने लिखा है कि संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की बृहदता, उसका बड़ा होना था। साथ ही ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में जो अभी मैंने बताया था कि ब्राह्मणस्य मुखमासिद बाहु राजन कृत उरुद्र सैयद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत, यानी कि विराट पुरुष की जब बलि दी गई मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट यानी उदर से वैश्य, व पैरों से शूद्र, शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसी को कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण मूल रूप से रंग का परिचायक है। कहा गया है कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की जटिलता के रूप में देखी जाती है, जो जातीय संरचना का रूप लेती है। वर्ण व्यवस्था यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो व्यवसाय आधारित थी, ना कि व्यक्ति के जन्म पे आधारित हो या गोत्र पे आधारित हो, ठीक। तो हम देखते हैं अब आगे कि आरंभिक तौर पे या प्रारंभिक रूप में हम तीन वर्णों का ही उल्लेख पाते हैं। एक ब्रह्म, छत्र और विष। ब्रह्म यानी ब्राह्मण, छत्र यानी कि क्षत्रिय, विष यानी कि वैश्य। यहां पर शूद्र जो वर्ण आया है इसका अभाव दिखाई देता है, या शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन यह कब तक, जब तक ऋग्वेद का 10वां मंडल नहीं गठित हुआ। हम जानते हैं कि ऋग्वेद के 2 से लेकर 7वां मंडल तक ही क्या है, प्राचीन है, जबकि 1, 9, 10 ये मंडल क्या है, आधुनिक या नवीन मंडल है, नए मंडल है जो जोड़े गए हैं। और हमने कहा कि पुरुष सूक्त जिस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था की बात आती है। यानी कि 10वें मंडल में पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। उसके पहले कहीं भी इस तरीके का शब्द हमें देखने के लिए नहीं मिलता, या शूद्र शब्द की बात कहीं भी चर्चा नहीं आती। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ कुछ परीक्षा के लिहाज से और इम्पोर्टेंट चीज दी गई है। यहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। एक बार नहीं, 2 नहीं, 10 बार आया है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य बनाए रखने के लिए कहा गया है। यानी कि राजा का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र या राज्य को बनाए रखे, ऐसा कहकर संबोधित किया गया। किसमें, तो देख रहे हैं 10वें मंडल में, और 9वां मंडल किसको समर्पित, सोम देवता को। टोटल मंडल कितने, 10 मंडल।
दो से सात ये क्या है, प्राचीन है। बाकी ऋग्वेद में हम पाएंगे कि जो पहला, आठवां, नौवां और दसवां ये कैसे मंडल हैं, ये नवीन मंडल है, नवीन मंडल है। और मंडल कितने हैं टोटल, 10 मंडल है। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर ऋग्वेद का अगर कोई सामाजिक जीवन था या राजनीतिक इकाई थी, तो राजनीतिक इकाई के बाद उनका कुछ अपना सामाजिक जीवन भी रहा होगा या सामाजिक संगठन भी रहा होगा। सामाजिक संगठन को अब हम कल से यहां से शुरू करेंगे, आज की बात हम यहीं पर अपनी समाप्त कर देंगे, ठीक है, और कल से इसके दूसरे भाग को उद्दीत करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आर्यों के बारे में जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है वो काफी परीक्षा के लिहाज से काम का होगा, और साथ ही आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा, या पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें, या प्रोएबल जो टेस्ट पेपर आप देते हैं जो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं उनको उठाइए, आप देखिए कि क्या आपसे इस चैप्टर से प्रश्न बच रहे हैं जहां से आपको पढ़ाया जा रहा है, या सारे प्रश्न आपकी पकड़ में है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कितना देर हुआ?